यावेळी या सगळ्या प्रश्नांची चर्चा आली करतो की उद्याच्या दिली जाणार आहे उद्या परवा दिवशी आणि काही लोक या असं बसणार या कामाला आम्हाला गती द्यावी लागेल आज लोकांची आवश्यकता अपेक्षा आहे दुसरी दिवशी महाराष्ट्रात काही ठिकाणी फिरत होते नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल अकरम। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र टिकी है इसराइल और हमास के बीच चल रही उस बड़ी जंग की ओर, लेकिन इस पूरे मामले पर जो भारत का पक्ष रहा उस पर शरद पवार ने आज एक बड़ा बयान दिया। दरअसल शरद पवार प्रेस वार्ता में अपनी तमाम बातों को रख रहे थे और इसी दरमियान पत्रकारों के बीच से एक सवाल आता है, एक प्रश्न आता है और उस प्रश्न पर वो बोलते हुए ये कह जाते हैं कि भारत की सरकार का जो पक्ष पहले रहा करता था, क्या वही पक्ष आज फिलिस्तीन और इसराइल के बीच जो जंग चल रही है उस पर नज़र आता है। हालांकि शुरुआती समय पर अगर हम बात करें दर्शकों, जब हमास ने एक तरीके से धावा बोला इसराइल पर, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आया और उस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि ये जो हमला हुआ है और इस हमले की वजह से जो क्षति हुई है इसराइल में, उस क्षति के समय में वो इसराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे अरब देशों का जो मीटिंग का सिलसिला चला, ख़ास तौर से अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की बात करें OIC की जो बैठकें जद्दा में हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं दबाव की जब स्थिति पैदा हुई और जब लोग देश के भीतर भी इस पूरे मामले पर सवाल पूछने लगे, उसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये बयान जारी किया और कहा कि भारत का पक्ष वही है जो पहले था, यानी कि फलस्तीन के समर्थन में, फलस्तीन को एक आज़ाद जो है मुल्क घोषित करने के समर्थन में। लेकिन इस मामले पर शरद पवार ने क्या बातें कही है देखिए। या सगळ्या प्रश्नांची चर्चा आली करतो की उद्याच्या दिली जाणार आहे उद्या असतं उद्या परवा दिवशी आणि काही लोक या असं बसणार या कामाला आम्हाला गती द्यावी लागेल आज लोकांची आवश्यकता अपेक्षा आहे दुसरी दिवशी महाराष्ट्रात काही ठिकाणी फिरत होतो त्या ठिकाणी लोकांनी माझ्याकडे आग्रह केला मागणी केली की या इंडियाच्या संबंधीचं तुम्ही एकच इथून काही पर्याय देतात या कामाला गती द्या असं खालून लोक आम्हाला सांगा लागले याचा अर्थ आम्हाला आणखीन काम केलं होतं। मैंने ये कहा कि केरल से ऊपर हिमाचल तक बदलाव हुआ है, बहुत से राज्य में दो तीन राज्य छोड़कर गुजरात UP दो तीन चार छोड़कर इतना बड़े पैमाने पर जब बदलाव देश में दिखाई दिखने के लिए मिलता है तो इसका असर कुछ ना कुछ आगे हो सकता है, ये हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मगर इसकी थरो तो आपने देखा दर्शकों, अब क्या इसके बाद भी ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में जिस ढंग से लगातार ये लड़ाई और भी ज्यादा गंभीर रूप इख्तियार कर सकती है, जिसकी संभावनाएं साफ तौर पर नजर आ रही है। देखते हैं कि भारत इसमें कैसी अपनी पोजीशन को जो है बनाए रखता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ।